एकादशी व्रत का उद्यापन करके बहुत से लोग व्रत त्याग देते हैं, लेकिन एक प्रार्थना हम करें, एकादशी व्रत का उद्यापन करने के बाद भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए, जीवन पर्यंत एकादशी व्रत करना चाहिए। फिर उद्यापन करें कि न करें, उद्यापन भी जरूर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए उद्यापन आवश्यक है। उद्यापन में क्या होता है? सभी एकादशियों का अर्चन हो जाता है, सभी एकादशियों के महात्म्य के श्रवण का सौभाग्य मिल जाता है, और जोड़े से उतने पवित्र वैष्णव ब्राह्मणों के पूजन का, उनको फलाहार, फिर उनको पारण करा के, उनको वस्त्राभूषण दक्षिणा आदि दे करके संपूर्ण पुण्य की फल की प्राप्ति हो जाती है। एतावता अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रतोद्यापन भी करना चाहिए। हे अयोध्या के राजा अम्बरीश जी, और उद्यापन करने कहां गए? मथुरा। मथुरा क्यों गए? बहुत ध्यान से सुने, शास्त्र की विधि है, तीर्थ में जाकर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। कहां जाकर करना चाहिए? तीर्थ में जाकर। अयोध्या तीर्थ नहीं है? अयोध्या तो मस्तक है भगवान का। विष्णु पादमवंतिका गुणवती मध्ये चकांचीपुरी नाभौ द्वारावती तथा च हृदय मायापुरी पुण्यदां ग्रीवामूलमुदाहरन्ति मथुरां नासां च वाराणसीं एतद् ब्रह्म विदो वदन्ति मुनयो अयोध्यापुरी मस्तकम्। ये मस्तक है भगवान। अयोध्या महान तीर्थ है, फिर ये मथुरा क्यों आए? बहुत ध्यान से सुने, तीर्थवासी को भी उद्यापन करना हो तो किसी अन्य तीर्थ में जाकर उद्यापन करना चाहिए। ये कितने पवित्र परंपरा हमारे ऋषियों ने बनाई, जिसमें एक तीर्थ के निवासी दूसरे तीर्थों का आदर करें। मथुरा के लोगों की इच्छा हो उद्यापन की तो अयोध्या जी में जाकर करें, और अयोध्या जी के लोगों को उत्सव करने की इच्छा हो तो वो ब्रज में आकर उत्सव करें। कितनी बढ़िया बात, यहाँ के लोग वहां जाएं, वहां के लोग यहाँ जाएं। नहीं तो अपनी 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 ढपली, अपना अपना राग बजाते रहो। नहीं, ऐसा नहीं, हमें सबका आदर करना चाहिए। अयोध्या वासियों को ब्रजभूमि का आदर करना चाहिए, और ब्रजभूमि वासियों को श्री अयोध्या की भूमि का आदर करना चाहिए। एक दूसरे तीर्थों का आदर करें, इस भाव से ये बात कही गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।